हेलो बच्चों मैं हूं आपकी हिंदी टीचर अंजू मैडम और मेरे क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है बच्चों आज मैं आप लोगों के समक्ष कवि बिहारी लाल के एक दोहे को लेकर उपस्थित हूं कवि बिहारी कौन है यह आप लोग भली बातें जानते हैं फिर भी मैं आप लोगों को बता दूं कि हिंदी साहित्य के रीतिकाल के एक प्रमुख कवि हैं कवि बिहारी लाल और इनका प्रमुख ग्रंथ है सतसई सतसई के जो दोहे हैं इनके बारे में यह प्रसिद्ध है कि सतसया के दोहरे जीव नाविक के तीर देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर तो बिहारी सतसई के दोहे की यह विशेषता है कि कम शब्दों में इसमें अधिक बात कही गई है अधिक भाव राशि यानी अपार भाव राशि से निहित होने के कारण इनके दोहे को गागर में सागर भी कहा जाता है सत्सई के दोहे विशेषकर भक्ति श्रृंगार और नीतिपरक हैं इसके साथ ही साथ अध्यात्म और ज्ञान का भी मिश्रित रूप इसमें मिलता है तो चलिए ऐसे ही एक दोहे को मैं आज पढ़ रही हूँ और उसकी व्याख्या भी करूँगी देखिए जप माला छापा तिलक सरे न एको काम मन कांचे नाचे वृथा सांचे राचे राम अब चलिए कठिन शब्द का अर्थ बता दूँ देखिए कठिन शब्दों के अर्थ पहला है जप जप जब यानी जपना या गिनना आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत से लोग क्या करते हैं हाथ में माला लेकर के भगवान का नाम जपते हैं कोई सौ बार जपता है कोई एक सौ आठ बार जपता है कोई हजार बार जपता है इसलिए यहाँ पर जप का अर्थ हुआ जपना कोई लिख लिख कर नाम जपता है छापा तिलक छापा तिलक माने शरीर या माथे पर तिलक लगाना और चिन्ह बनाना सरे मने पूर्ण होना एको काम मने एक भी काम कांचे यानी कच्चा कांच का कांचे का अर्थ कच्चा भी है या कांच का भी है नाचे मने इधर उधर भटकना वृथा यानी बेकार और साँचे मने सच्चा तो यहाँ पर जो है विशेष रूप से यह बात कही गई है कि ईश्वर जो होते हैं वो बाहरी दिखावे या पाखंड से प्रसन्न नहीं होते हैं अगर आपको ईश्वर को पाना है तो आपको सच्चे मन से हृदय की भक्ति करनी होगी आपको मन को साफ और शुद्ध रखना होगा तभी आपको ईश्वर की प्राप्ति होगी तो चलिए अब मैं इस दोहे की व्याख्या करती हूँ तो सबसे पहले प्रसंग देखें प्रसंग यह है कि ईश्वर की आपको आराधना सच्चे मन से करनी है यदि आप दिखावा पाखंड करते हैं ईश्वर का नाम जो है हजारों बार लेते हैं लेकिन आपका मन जो है शुद्ध नहीं है मन जो है इधर उधर भटकता है तो आप कभी ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते हैं यहाँ पर मुझे कबीरदास जी का एक दोहा याद आ रहा है माला फेरत जुग गया मिटा न मन का फेर कर का मन का डारी के मन का मन का फेर माला को फेरने से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है इसलिए हाथ के माला को आप रखते और मन रूपी माला को आप हाथों से उसकी गिनती करें यानी जो हम लोग हाथ में लेके मन का को गिन रहे हैं उसे ना गिन करके आप अपने हृदय रूपी मन की को गिने वहाँ से ईश्वर का नाम लें तो आपकी भक्ति जो है वह पूर्ण होगी आपको ईश्वर की प्राप्ति होगी तो यही भाव यहाँ पर भी है बिहारी ने भी इसी भाव को यहाँ पर अभिव्यक्त किया है कि झूठे दिखावे और पाखंड से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है ईश्वर की प्राप्ति जो है सच्चे मन से होनी चाहिए आप सच्चे मन से जब ईश्वर को पुकारते हैं तभी आप की आवाज़ जो है ईश्वर तक पहुँचती है तो अब अर्थ देख लें जप माला छापा तिलक कभी बिहारी ने यह बतलाया है कि हम इस संसार में देखते हैं कि कुछ लोग क्या करते हैं जप माला माला जपते हैं हाथों में माला लेकर के एक एक मन के से भगवान का नाम बोलते हैं या नाम को लिखते हैं हजार बार लिखते हैं कोई एक सौ आठ बार बोलता है या लिखता है तो जप माला यानी माला जपना छापा तिलक और क्या करते हैं माथे पे तिलक लगाते हैं शरीर पर तरह तरह के चिन्ह बना लेते हैं कोई तो बहुत तरह का जो भक्ति संबंधी कुछ छापा हुआ चादर होता है उसे धारण करते हैं अपने शरीर पर तो इस तरह हम संसार में देखते हैं कि अपनी भक्ति भावना को श्रेष्ठ बताने के लिए लोग इस तरह के कार्य करते हैं कि वो बताना चाहते हैं कि उनकी भक्ति सबसे अधिक है सबसे श्रेष्ठ है सरे ना एको काम लेकिन उसका एक भी काम पूर्ण नहीं होता है सरे ना मैंने पूरा नहीं होता है एको काम मैंने एक भी काम क्यों नहीं होता है क्योंकि वह तो दिखावा करता है वह तो सच्चे मन से ईश्वर को पुकारता नहीं है उसका मन तो चंचल है मन इधर उधर भटक रहा है मन स्थिर नहीं है उसके मन में काम क्रोध लोभ मोह सारी भावनाएं हैं इन भावनाओं को अपने मन से दूर नहीं किया है लेकिन वो क्या करता है दिखावा करता है कि वह बहुत बड़ा भक्त है माला जप रहा है अपने शरीर पर जो है तिलक अपने माथे पर तिलक लगाया है लेकिन उसकी भक्ति जो है अगर देखा जाए तो वो वृथा है बेकार है मन कांचे नाचे वृथा क्योंकि उनका मन तो कच्चा है कच्चा किस तरह से कांच का है जो तुरंत टूट जाता है छनमंगूर है उनका मन सच्चा नहीं है नाचे वृथा वह तो इधर उधर नाच रहा है यानी इधर उधर भटक रहा है उनका मन जो है व्यर्थ में इधर उधर भटक रहा है और यही कारण है कि उसे ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है साँचे राचे राम लेकिन जो सच्चा है जो साँचे नहीं सच्चा है उसी पर राम यानी ईश्वर प्रसन्न होते हैं यहाँ राम का अर्थ भगवान श्री राम आप नहीं लगाइएगा यहाँ पर राम का तात्पर्य एक ईश्वर से है जिसकी अनुभूति हम हर समय करते हैं कैसे करते हैं हवा के चलने से करते हैं सूर्य के उगने से करते हैं यानी प्रकृति में हम ईश्वर का आभास पाते हैं हमें ईश्वर दिखाई नहीं देते हैं लेकिन हम ईश्वर का आभास पाते हैं कुछ लोगों का कहना है कि ईश्वर है भी कि नहीं है ये तो मुझे भी नहीं मालूम है कि ईश्वर है कि नहीं लेकिन हम लोग कभी कभी ईश्वर की सत्ता का अनुभव किसी मनुष्य में ही कर लेते हैं और मुंह से स्वतः निकल जाता है कि भगवान ने इसे मेरे लिए भेजा है जैसे आप कभी किसी मुसीबत में हैं और जैसे आप कहीं जा रहे हैं रात्रि हो गई है सुनसान रास्ता है आप भयभीत हैं आप भगवान का नाम लेते हैं भगवान रक्षा करो भगवान रक्षा करो ऐसा होता है कि तभी आपके परिचित मिलते हैं आपसे अचानक और वे आपके साथ जो है चलते हुए आपको गंतव्य तक पहुंचा देते हैं तब आपको क्या महसूस होता है कि ईश्वर ने इसे भेजा है यानी आप ईश्वर की सत्ता का तब अनुभव करते हैं आप ईश्वर को देखे नहीं हैं लेकिन आप ईश्वर की सत्ता का अनुभव करते हैं तो यहाँ पर कभी बिहारी ने राम शब्द से भगवान श्री राम के बारे में नहीं कहा है यहाँ पर उन्होंने राम शब्द से ईश्वर के बारे में बतलाया है वह ईश्वर जिसे हम भगवान भी कहते हैं परमात्मा भी कहते हैं तो यह स्पष्ट हो गया कि ईश्वर दिखावे से पाखंड से कभी प्रसन्न नहीं होते हैं ईश्वर सच्चे मन से जो ईश्वर को पुकारता है ईश्वर की आराधना करता है ईश्वर उस पर ही अपनी कृपा दृष्टि बनाते हैं तो अब चलिए मैं विशेष भी बतला दूँ विशेष पहला यह एक भक्ति तथा नीतिपरक दोहा है दूसरा कवि ने बतलाया है कि आडंबर और ढोंग व्यर्थ है ईश्वर को प्राप्त करने में यह दिखावा किसी भी प्रकार सहायक नहीं है तीसरा कवि ने बतलाया है कि मन तो कांच की तरह छन है जो व्यर्थ में ही नाचता रहता है चौथा ईश्वर की प्राप्ति सच्चे मन से आराधना करने पर होती है पाँचवा यह एक दोहा छंद है इसके चार चरण में से प्रथम और तृतीय चरण में तेरह तेरह और द्वितीय और चतुर्थ चरण में ग्यारह ग्यारह मात्रा होती है छठा देखिए कभी बिहारी की काव्यभाषा माधुरी गुण से ब्रज ब्रजभाषा है इन्होंने ब्रज और संस्कृत भाषा के शब्दों का प्रयोग किया है और सातवां है अपार राशि को अभिव्यक्त करने के कारण बिहारी के दोहे गागर में सागर की उक्ति को चरितार्थ करते हैं यानी कम से कम शब्दों में अधिक बात कही जाए तभी होता है गागर में सागर तो देखिए यहाँ पर जो कुछ विशेषताएँ हैं इसमें से ये पाँच नंबर ये छः नंबर ये सात नंबर ये तीनों विशेषताएं ऐसी विशेषता है जो आप बिहारी के किसी भी दोहे के विशेष को जब आप लिख रहे होंगे तो इसे आप लिख सकते हैं तो उम्मीद करती हूँ कि बिहारी के इस दोहे का अर्थ मैंने जिस तरह से आप लोगों को समझाया है वह आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक करें सभी पढ़ने वाले विद्यार्थियों में इसे शेयर भी ज़रूर करें जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन उन्हें समय समय पर मिल सके तब तक पढ़ते रहिए जीवन में आगे बढ़ते रहिए मेरी शुभकामनाएँ आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद